तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी मज़ेदार मुंह में एकदम घुल जाने वाले मीठे चावलों की रेसिपी जिनको बनाना बेहद आसान है अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो चावल का एक एक दाना खिला खिला बनेगा तो रेसिपी को पूरा देखने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं ये आज की मज़ेदार रेसिपी तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक खाली बर्तन और इसमें लिया है मैंने एक कटोरी भर के बासमती चावल चावल को तीन चार बार पानी से अच्छी तरह से धो के आधा घंटे के लिए भिगो के छोड़ देंगे चावल को भिगो के रखने के बाद हम काट लेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट तो ये लिया है मैंने एक यहाँ पर सूखा हुआ नारियल इसको मैं इस तरह से चाकू की मदद से लंबे लंबे टुकड़ों में काट लूँगी और ये लिया है मैंने थोड़े से बादाम इनको इस तरह से मैं थोड़ा लंबाई में काट लूंगी और ये ले रही हूँ मैं कुछ काजू इनको बीच में से दो टुकड़ों में कर लेंगे और ये ले रही हूं मैं थोड़ी सी चिरौंजी और थोड़ी सी किशमिश ड्राई फ्रूट सारे हमारे कट चुके हैं अब यहां पे लिया है मैंने एक भगोने में आधा भगोना पानी और गैस को मैंने ऑन कर दिया है और ये मैंने डाली है इसमें वन फोर्थ स्पून हल्दी जो कि देगी चावलों को एक बहुत अच्छा सा कलर यहाँ पे मैं कोई फूड कलर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ यहाँ पे मैं चा, चावल को कलर देने के लिए हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ पानी जब अच्छी तरह से उबलने लगे तब हम इसमें चावल डाल देंगे और उनको एट्टी परसेंट तक कुक कर लेंगे लगभग कुछ इस स्टेज पे आके हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और चावल को एक छलनी की मदद से छान लेंगे चावल को छान कर एक तरफ़ रख देते हैं और शुरू करते हैं आगे का प्रोसेस तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑन कर दिया है और मैं लूँगी कढ़ाई में दो चम्मच भर के देसी घी चावल को बनाने के लिए किसी रिफाइंड ऑयल का या किसी और तेल का इस्तेमाल ना करें ये चावल देसी घी में ही अच्छे लगते हैं इसमें डालूँगी मैं कुछ खड़े मसाले ये मैंने डाला है एक तेज़पत्ता चार पाँच लौंग एक इलायची एक इंच टुकड़ा दालचीनी का खड़े मसाले डालने के बाद अब इसमें जाएंगे हमारे कटे हुए ड्राई फ्रूट किशमिश को छोड़ के बाकी सभी ड्राई फ्रूट डाल के एक बढ़िया सा कलर आने तक उनको घी में अच्छी तरह से भून लें और ये मैं ले रही हूँ यहाँ पे आधा कप दूध एक पिंच हल्दी डाल के इनको भी ड्राई फ्रूट में डाल देंगे और एक उबाल आने तक पकने देंगे दूध के पक जाने के बाद यहाँ पे डाल देंगे हम ये बॉईल की हुए चावल और हमने एक कटोरी चावल लिए थे तो एक कटोरी ही हमने लिए यहाँ पे चीनी आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग चीनी कम या ज्यादा कर सकते हैं और बहुत हल्के हाथों से चावल को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर मैंने ये डाली है इसमें इस टाइम पे किशमिश और लिड से कवर करके इसको हम पाँच मिनट के लिए सिम गैस पे पकने देंगे पाँच मिनट बाद एक बार फिर से हम चावलों को बहुत हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दोबारा से लिड से कवर करके दो मिनट के लिए पकने देंगे और दो मिनट हो चुके हैं चलिए चेक करते हैं चावलों को चावल एकदम बढ़िया तरीके से पक चुके हैं चावल का एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला बना है अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक कपड़ा और कपड़े से मैं चावल को इस तरह से कवर कर दूँगी और ऊपर से लिड लगा के इनको पंद्रह मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी और पंद्रह मिनट हो चुके हैं लिड को हटा के एक बार फिर से चावलों को चेक कर लेते हैं यहाँ पर एक बार फिर से मैं बहुत हल्के हाथों से चलाते हुए चावलों को इस तरह से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावलों का कितना बढ़िया कलर आया है बिना किसी फूड कलर के और कितने खिले खिले चावल बने हैं तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करें